दाढ़ी के बालों को हमेशा के लिए हटाने की कौन सी क्रीम होती है? अगर आप भी आपके दाढ़ी बाल को परमानेंटली रिमूव करना चाहते हैं तो आपको कौन सी क्रीम का यूज करना चाहिए जिससे कि आपके दाढ़ी के बाल दोबारा ना आए, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो कोई बीएड की ग्रोथ करना चाहता है तो कोई बीएड को हटाना चाहता है, यानी कोई दाढ़ी उगाना चाहता है और कोई दाढ़ी को हटाना चाहता है, यानी उसके दाढ़ी कभी ना आए, वो ऐसा कुछ ट्रीटमेंट यूज करना चाहता है। आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कम एज में यह सोचते हैं कि भाई मुझे दाढ़ी नहीं चाहिए, मुझे दाढ़ी हमेशा के लिए हटाना है। बट आपको एक बार और जरूर सोचना चाहिए कि आगे आपको दाढ़ी की कितनी ज्यादा जरूरत होगी। आप जब यंग एज में आ जाओगे, मैच्योर हो जाओगे, 18 19 20 25 साल के जब आप हो जाओगे, जब आप वो लुक रखना चाहोगे, तब आप क्या करोगे? तो अगर आपको यही जानना है कि दाढ़ी को परमानेंटली रिमूव करने के लिए, यानी दाढ़ी को हमेशा के लिए हटाने के लिए आप कौन सी क्रीम का यूज कर सकते हो, तो ऐसी कोई सी भी क्रीम नहीं होती कि दाढ़ी को हमेशा के लिए हटा दे। ऐसा ओनली लेजर है ट्रीटमेंट कर सकता है, जो कि इसकी कॉस्ट आपको ज़्यादा पड़ती है, 40-50 हज़ार रुपये की इसकी कॉस्ट पड़ती है। अगर आप वो ट्रीटमेंट करवाना चाहो तो आप किसी भी स्टोर पर जाकर करा सकते हो, क्योंकि लेजर हेयर ट्रीटमेंट करते हैं बियर्ड के हेयर्स रिमूव करने के लिए, पर पूरे बॉडी के हेयर्स रिमूव करने के लिए। और अगर आप टेम्परेली हेयर रिमूव करना चाहते हो, यानी आप 1-2 महीने के लिए आपके बालों को हटाना चाहते हो, 1-2 महीने करके आपके बालों को आप हटाना चाहते हो, तो उसके लिए मैं आपको क्रीम जरूर सजेस्ट करूंगा। आप हिंडर क्रीम का यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके आसपास के किसी मेडिकल स्टोर पे या फिर कोई सी भी ऑनलाइन स्टोर पे आपको मिल जाएगा। अगर आप हिंडर क्रीम का यूज़ करते हैं तो ये आपके बालों को 15-20 दिन तक के लिए रिमूव कर देती है, यानी जो आपकी दाढ़ी है उसके बालों को रिमूव कर देती है, हटा देती है, लेकिन 15-20 दिन बाद वो दोबारा आने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप भी बियर्ड के हेयर्स को परमानेंटली रिमूव करना चाहते हो तो इसके लिए ओनली लेजर हेयर ट्रीटमेंट होता है, इसके अलावा और कोई सा भी ट्रीटमेंट नहीं होता। अगर आप टेम्परेरी सॉल्यूशन करना चाहते हो तो उसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, बैक थ्रेडिंग वगैरह होम ट्रीटमेंट्स होते हैं, लेकिन अगर आप क्रीम जानना चाहते हो तो ओनली हिंडर क्रीम होती है, जो कि आपके बियर्ड हेयर्स को रिमूव कर देती है। एक ओले क्रीम होती है, हेयर रिमूवल क्रीम, लेकिन उसकी कॉस्ट ज़्यादा रहती है। हिंडर क्रीम सबसे लो, सबसे सस्ती और सबसे अच्छी क्रीम होती है, लेकिन आपको केयरफुली इसका यूज़ करना चाहिए। आँख नाक मुंह के अंदर या कान के अंदर इसको नहीं जाना देना चाहिए, तो आप हिंडर क्रीम का यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप आपके बियर्ड के हेयर्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, सी यू अगेन।